वेलकम टू क्रिकेट विद एमजेड स्पोर्ट्स चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि टीम पाकिस्तान इस वक्त दौरे इंग्लैंड और मिशन वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड में मौजूद है और पाकिस्तान के सीनियर तरीन बल्लेबाज प्रोफेसर के नाम से मशहूर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे ये सवाल किया गया कि आप किस नंबर पर बैटिंग करेंगे। तो उन्होंने इस सवाल का दिलचस्प जवाब दिया कि मैं ओपनर हूं और एज अ ओपनर बैटिंग करना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में और उसके बाद भी फ़खर जमान और इमाम अलहक ओपनिंग पोजीशन पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वन डाउन पोजीशन पर पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन बाबर आजम मौजूद हैं, तो ऐसे में प्रोफेसर नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आते हैं। तो इसी हवाले से मोहम्मद हफीज़ का मजीद कहना था कि चूंकि फ़खर जमान और इमाम अलहक बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे जिस नंबर पर भी बैटिंग करने के लिए कहा जाएगा मैं उसी नंबर पर खेलने के लिए तैयार हूँ और मेरा कोई भी नंबर नहीं है, मैं हर नंबर पर बैटिंग कर सकता हूँ। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि मोहम्मद हफीज़ गुज़िश्ता 2 साल से नंबर 6 तक के नंबरों पर बैटिंग करते आ रहे हैं और अहम मौक़ों पर वो अपने इन्हीं नंबरों पर बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि मोहम्मद हफीज़ को वर्ल्ड कप 2019 में कौन से नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।